आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है। यदि प्रश्न संख्या 1 से 10, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा वाई के लिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्रासंगिक रूप में संबंधित हो। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक दिया गया है, x तथा वाई में जो समीकरण दिया हुआ प्रश्न संख्या 1 से 10 में, वो अगर एक दूसरे से प्रासंगिक रूप में संबंधित हो, ठीक है ना, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि प्राचलिक क्या होता है, हाँ प्राचलिक समीकरण क्या होता है, प्राचल समीकरण किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यदि x और y सीधे संबंधित न होकर के, x तथा y एक दूसरे से सीधे संबंधित न होकर के एक तीसरी चर राशि t द्वारा अगर इनको व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना, यदि x तथा y एक दूसरे से सीधे डायरेक्ट संबंधित न होकर के किसी तीसरी चर राशि t द्वारा अगर इनको प्रदर्शित किया जाता है, जैसे x बराबर f1t, y बराबर f2t, अगर ऐसा हो तो इन समीकरणों को हम कहते हैं प्राचल समीकरण। क्या कहते हैं? प्राचल समीकरण। क्या मैंने कहा कि यदि x तथा y एक दूसरे से सीधे संबंधित न हो करके किसी तीसरी चर राशि t पर डिपेंड करें, मतलब x का जो फलन हो इस तरह का हो और y का जो फलन हो इस तरह का हो, तो हम इनको क्या कहेंगे? प्राचल समीकरण कहेंगे, ठीक है। अब प्राचल समीकरण आपका ऐसे भी हो सकता है, x बराबर at² हो सकता है, y बराबर 2at हो सकता है ना। देखिए x क्या है, तीसरी चर राशि पर डिपेंड कर रहा है, y भी तीसरी चर राशि पर डिपेंड कर रहा है, ये सीधे डायरेक्ट संबंधित नहीं है। डायरेक्ट संबंधित का मतलब है y बराबर x+2 इस तरह का कुछ नहीं है, y बराबर cos x इस तरह का कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट संबंधित है एक दूसरे से। ये क्या है? एक दूसरे से डायरेक्ट संबंधित है, लेकिन यहाँ पर ये जो x बराबर at² y बराबर 2at ये एक दूसरे से डायरेक्ट संबंधित नहीं है। ये क्या है? दूसरे से क्या है? डायरेक्ट संबंधित नहीं है। ये क्या है? x तीसरी चर राशि पर डिपेंड कर रहा है, y भी तीसरी चर राशि पर डिपेंड कर रहा है। ये ऐसे भी हो सकता है a cos θ और y बराबर a sin θ, ये सब प्राचलिक समीकरण है। देखिए x किस पर डिपेंड कर रहा है? तीसरी चर राशि थीटा पर, y भी थीटा पर, ये दूसरे से एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो क्या मैंने कहा? यदि x तथा वाई एक दूसरे से सीधे संबंधित न हो करके किसी तीसरी चर राशि टी पर डिपेंड करें, टी से संबंधित हो, जैसे x बराबर f1t, y बराबर f2t, ना, तो अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन को हम प्राचल समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को क्या कहेंगे? प्राचल समीकरण कहेंगे। जैसे x बराबर at² y बराबर 2at, ये क्या है? x t पर डिपेंड कर रहा है, y भी t पर डिपेंड कर रहा है, x बराबर a cos θ, x थीटा पर डिपेंड कर रहा है, y थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो ये प्राचल समीकरण है। ये क्या है? ये प्राचल समीकरण नहीं है, ये प्राचल समीकरण नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये प्राचल समीकरण हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है, ये क्वेश्चन है, ये प्राचल समीकरण में दिया हुआ है, ठीक है ना। x t पर डिपेंड कर, y t पर डिपेंड कर रहा। अब इस t को विलोपन किए बिना आपको हल करना है ना, t को गायब नहीं करना है, और t को गायब किए बिना आपको इसका क्या करना है? अवकलन करना है। तो आइए इसका अवकलन करते हैं। प्राचल समीकरण का अवकलन करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे dx/dt, ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे dy/dt, ठीक है, फिर dy/dx बराबर लिखेंगे dy/dt/dx/dt, ठीक है ना, ये हम लिखेंगे। तो ये प्राचल समीकरण निकालने के लिए एक रूल होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसको हम करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था x बराबर 2at² इसका क्या करेंगे? x के सापेक्ष, देखिए यहाँ पे t है, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा dx/dt। अभी तक आप x के सापेक्ष अवकलन करते हुए आ रहे थे,
अब एक्स बराबर इतना दिया हुआ है तो ये टी के सापेक्ष यहाँ करेंगे, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा ये तीसरी चर राशि में उसी के सापेक्ष अवकलन करें, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, टू ए तो कांस्टेंट है बाहर मिल जाएगा, डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका क्या होगा, इसका आप जानते हो डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर एन क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है, इसी तरह से डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर क्या होगा, एन की जगह टू है तो टू डी, एक्स की जगह टी है फिर टू माइनस वन दैट इज टू टी, ये मिल जाएगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा टू ए और इसका क्या मिल जाएगा टू टी, है ना, यानी कि क्या मिलेगा टू टू जा फोर ए टी, ये डी एक्स बटी क्या हो गया डी टी, समीकरण नंबर एक मान लिया। अब हम इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए इसमें हमने टी को विलोपन नहीं किया, मतलब टी को गायब नहीं किया, टी को गायब किए बिना हम ऐसा क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो डी वाई बटे डी टी हो जाएगा, ए कांस्टेंट है तो डी बटे क्या होगा डी टी हो जाएगा, टी के पावर फोर हो जाएगा, इसका क्या होता है ए यहाँ पर लिखते हैं फोर, क्या होता है ये डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर एन बराबर क्या होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन, फोर इंटू एक्स की जगह टी है तो टी फोर माइनस वन, यानी कि क्या हो जाएगा फोर ए टी क्यू डी वाई अपॉन डी टी, इसको इक्वेशन नंबर मैं मान ले रहा हूँ इसको दो। अब क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर सबसे ऊपर लिखेंगे डी वाई बटे डी टी का मान, फिर नीचे लिखेंगे डी एक्स बटे डी टी का मान, तो क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी टी का मान आया फोर ए टी क्यूब, ठीक है, और इसका मान आया था फोर ए टी, है ना, डी एक्स बटे डी टी का मान क्या आया था फोर ए टी, यहाँ से फोर ए से फोर कट गया टी से टी कट गया, यानी कि क्या मिला डी वाई बटे डी एक्स बराबर मिल गया आपको टी स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है, एक्स बराबर ए कॉस थीटा वाई बराबर बी कॉस थीटा, ये भी प्राचलिक समीकरण है, एक्स थीटा पर डिपेंड कर रहा है वाई थीटा पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट डिपेंड नहीं है, इनके प्राचलिक समीकरण है, इसका अवकलन करना है तो पहला हम करते हैं एक्स बराबर ए कॉस थीटा, किसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए क्या मिलेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन होता है एक्स, तो यानी कि एक्स की जगह थीटा तो थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे ए तो ये आपको मिल गया डी एक्स बटे डी थीटा, समीकरण नंबर एक मान लीजिए। तथा अब किसका करेंगे वाई बराबर बी कॉस थीटा का, इसका हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष क्या मिलेगा डी वाई बटे डी थीटा, बी कॉन्स्टेंट है बाहर ले लीजिए डी अपॉन डी थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है माइनस होता था, यानी कि माइनस बी साइन थीटा हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर दो मान ले रहा हूँ। अब हमें क्या निकालना है डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो क्या करते हैं हम डी वाई बटे डी एक्स बराबर लिखते हैं, सबसे पहले ये वाला लिखते हैं ऊपर डी वाई बटे डी थीटा, फिर डी एक्स बटे डी थीटा ये लिखते हैं, डी ओवर डी थीटा कितना दिया हुआ माइनस बी साइन थीटा दिया हुआ, और डी एक्स बटे डी थीटा का मान माइनस ए साइन थीटा दिया है, और किसके बराबर डी वाई बटे डी एक्स की, अब यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यानी कि बी बाई ए मिल गया, यानी कि डी वाई बटे डी एक्स क्या मिल गया डी बाई ए मिल गया,
ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको लगाएंगे।